आदाब, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल समय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर एक, घ, र, न और ल। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से मिलके जो शब्द बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए जोड़कर पढ़ना सीखते हैं। घ प्लस र, घर। न प्लस ल, नल। घ प्लस र, घर। न प्लस ल, नल। घर, घर। न ल, नल। घ प्लस न, घन। न प्लस ल, नर। घर, घर। धाना, धन। नर, नर। इसके बाद साथियों, घ प्लस र को अलग अलग करके लिखा है, बीच में आपको प्लस का साइन लगा के बताना है ये क्या है। घर। न प्लस ल, नल। ध प्लस न, धन। न प्लस र, नर। तो अब इसके नीचे साथियों लिखने का तरीका भी बता दिया है कि आपको कैसे लिखना है। बहुत से बच्चे अलग अलग स्टाइल से लिखते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह मूव करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर से फिर इस तरह नीचे लाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये यू गया और फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके ऊपर ये तीर के निशान है, तो इस तरह। अब रा देखिए कैसे बनेगा। रा में पहले आपको इस तरह राउंड करना है और फिर सीधी लाइन लेके आना। पहले इस तरह राउंड, फिर सीधी, फिर ऊपर से ये लाइन। और देखिए आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इसमें के ऊपर भी मिलाया है लाइन के और नीचे भी मिलाया है। ऊपर से भी मिलाना है और नीचे से भी। ना कैसे बनेगा, इस तरह पहले और फिर इस तरह, और इस तरह लाने के बाद ऊपर से एक डंडा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यूं करा, ऊपर गए फिर नीचे। गलत, पहले इस तरह बना लीजिए बस, फिर ऊपर से एक डंडा, ये सही। इसी तरह ला, ला में पहले ये बनाना है आपको, ध्यान से ये बनाना है और फिर ऊपर से डंडा। जैसे ना में पहले ना का वो बनाना है मुंह और फिर डंडा, इसी तरह ला का पहले मुंह और फिर डंडा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।